पारो बेहोश हो गई है। रंभा, मनमोहन, मैं यहाँ हूँ। जीजी कहाँ है? मुझे तो लगा उनकी आवाज है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। सिर्फ तुम्हारी दीदी की आवाज ही तुम्हारे कानों में गूंजती रहती है, मेरी बातों और आवाज से तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हो गया तुम्हारा, अब चलें दीदी को ढूंढते हैं। हाँ चलो। रंभा! अरे भाई पानी लाओ जल्दी। दो। पारो। तुम ठीक हो पारो? तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम यहां क्या कर रही हो, वो भी आरती के बीच में से? चुड़ैल को पकड़ लिया। पारो तू ठीक है ना? हाँ शंकर, बापा की कृपा है। पारो ठीक है? बापा ने सिर्फ हमें बचाया ही नहीं, हमारी मदद भी की, मगर वो बोतल कहाँ है? हमें बेहोश होने से पहले लगा था कि कोई आया है हमारे सामने। क्या वो चुड़ैल थी? पता करना होगा कि वो बोतल में फंसी है या नहीं। क्या इधर उधर देख रही हो? हमेशा इधर उधर देखकर चलती हो ना, इसलिए गिर जाती हो। जाने देना शंकर, उसे आराम की जरूरत है, कमरे में ले चलते। चल आज आज आराम से। अरे अरे तू मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकती, तू मुझे बोतल में बंद करेगी। हाँ? हाँ? एक बार बस इस बोतल से बाहर निकल जाऊं, फिर देख मैं तेरा क्या करती हूँ। पर मैं निकलू कैसे? ये मनमोहन और रंभा भी मेरी आवाज नहीं सुन रहे। दवाई ले ले। सीमा, पारो के लिए पानी ले आ। अब यही दिन देखना बचा था, नौकरों की सेवा अब मालिक करेंगे। बहुरिया, यही प्रॉब्लम तो है इस घर और घर वालों की, गरीबों को सड़क पर छोड़ सिर पर बिठा देते हैं। गरीब अमीर सब बाद में आता है, हर कोई सबसे पहले इंसान होता है। और तुम भले ही सर पे मत बिठाओ, लेकिन बदतमीजी भी मत करो। चल ले ले। एक नौकरानी के लिए मुझे सुना रहे शंकर, ऐसा क्या लगाव है इसका पारो से? अभी दवाई लेकर बेहतर फील करोगे, और चिंता मत करो, हम सब हैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हे भोलेनाथ, अगर सबको यही लगता रहा कि हम बीमार हैं तो हमारा बाहर जाना बंद कर देंगे, और जब तक हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि चुड़ैल उस बोतल में कैद हुई कि नहीं। और दादी अम्मा, एक बात सच्ची सच्ची कहें, हम ना इतने बीमार भी नहीं है जितना आप सब चिंता करके हमको बना रहे। ऐसी छोटी मोटी चोट ना हम तो ऐसे ही हंसते गाते भगा देते हैं, सच्ची कह रहे हैं। आप देखिए, हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाते हैं आपको, देखिए। अरे, अरे, अरे पारो,
क्या कर रही है ये लड़की? संभल, ये देखिए देखिए दादी अम्मा, है ना भौकाल हमारा। एकदम तन के खड़े हो गए। आप कहीं तो आपके पास चल के आके दिखाएं। देखिए पारुक, ये देखिए दादी अम्मा, हम ना अपने आप चल के आ गए, बिना गिरे बिना लड़कते फड़कते, है ना? अब बोलिए कहाँ से लग रहे हैं हम बीमार? बिल्कुल ही ठीक है। नहीं सुतरेगी, बैठ। दादी अम्मा सुनिए ना, अब बिल्कुल भी स्ट्रेस से आइए नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम ना कपड़े बदल कर अभी पूरे घर की सफाई कर देंगे, सच में। भोलेनाथ की कसम दादी अम्मा, हम कर देंगे। मना किया ना, मेरे हाथ का मार खाएगी तू, चल सो जा। अच्छा पैर ऊपर ले। हम ले। हाँ चल, अब चुपचाप आराम कर, समझी? यही तो मौका है हमारे पास सफाई के बहाने उस बोतल को ढूंढने का। अरे गीता, मोहिनी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई वो? अम्मा सिर्फ मोहिनी नहीं, उसकी पूरी पलटन गायब है, न जाने कहाँ चले गए। तू आराम कर, और कुछ भी चाहिए ना तो आवाज दे देना। आओ चल। हेलो, दवाई तो ले ली ना? पानी पानी पी ले। चुपचाप आराम ही करना। यही सही मौका है पारू, सफाई के बदले बोतल ढूंढने का। जीजी मिले? अब कहाँ ढूंढे उन्हें मनमोहन? इतनी अजीब बात है, इसे बगैर बताए कहाँ जा सकती है दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं मनमोहन कि जीजी सब छोड़ के चली गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे नहीं मतलब शर्म के मारे चुड़ैल ऐसा कर सकती है ना। शर्म? उन्हें किस चीज से शर्म आएगी? बार बार लगातार तड़ातड़ नागिन से हारने की शर्म, कितना सहेंगी बेचारी बताओ। एक मिनट में आई। कहाँ जा सकती है?